देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। भिवंडी के कुछ कांग्रेसी नगर सेवकों ने एक बार फिर पाला बदला। भिवंडी कांग्रेस के 16 नगर सेवकों ने आज एनसीपी में किया प्रवेश। मालूम हो कि 5 दिसंबर 2019 को हुए मेयर चुनाव में कांग्रेस के 18 नगर सेवक बीजेपी समर्थित गठबंधन में चले गए थे, जिसके कारण कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए कोणार्क विकास अघाड़ी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर पद पर अपना कब्जा जमा लिया। भिवंडी कांग्रेस के बहुमत के बावजूद मेयर पद का चुनाव हारने के कारण देश प्रदेश में ये मुद्दा उछलने लगा, जिसके कारण इसे लेकर कांग्रेस की जबरदस्त किरकिरी हुई थी। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस ने स्थानीय नेतृत्व सहित मनपा गठनेता पर दबाव बनाते हुए बागी नगर सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। बता दें कि जहां एक तरफ हाईकमान की कार्रवाई कांग्रेस के 18 नगर सेवकों पर जारी है, वहीं आज कांग्रेस के 16 नगर सेवकों ने राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश कर दिया है, जिसकी वजह से आज शहर में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जैसा कि हाल ही में भिवंडी मनपा की महासभा में घर पट्टी और नल पट्टी के निजीकरण के पारित ठहराव की मंजूरी को लेकर भिवंडी की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। वहीं जानकारों का कहना है कि भिवंडी शहर में लोग अपने खुद के लिए राजनीति कर रहे हैं, लोग शहर के विकास कार्य और उसकी हिफाजत के लिए कोई काम नहीं कर रहे। लोगों का तो यहां तक कहना है कि यहां लोग अपनी झोली किस तरह भरे बस इसी की राजनीति कर रहे हैं। आप देख रहे थे भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट को।